अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, माय उपचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ZD500mg टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। यह एक एंटीबायोटिक एलोपैथिक दवा है जिसका निर्माण मैनकाइंड फार्मा कंपनी करती है और इस दवा में अजीथ्रोमाइसिन नामक सॉल्ट पाया जाता है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, यानी इसे डॉक्टर के पर्चे के बिना किसी भी मेडिकल स्टोर से नहीं लिया जा सकता। तो आइए जानते हैं यह दवा किस बीमारी के काम में आती है। इस दवा का प्रयोग बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है, जैसे कि साइनस, टॉन्सिल्स, नाक, कान, गले और त्वचा आदि के संक्रमणों के लिए किया जाता है। इस दवा का प्रयोग आँखों के संक्रमण तथा फेफड़ों के संक्रमण के उपचार के लिए भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं यह दवा कैसे काम करती है। यह एक माइक्रोलेड एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोककर काम करती है। प्रोटीन बैक्टीरिया के शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, तो इस प्रकार यह बैक्टीरिया के विकास को रोकती है और हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है। तो आइए इसकी डोज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस दवा की 500mg डोज दिन में एक बार 3 दिन तक ले सकते हैं या 250mg डोज दिन में 2 बार 3 दिन तक ली जा सकती है। अगर किसी ने इस दवा की ओवरडोज ले ली है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। चलिए अब इसे लेने से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर दवा के कुछ फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस दवा के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे उल्टी, मतली, दस्त और पेट दर्द। चलिए अब इस दवा से संबंधित कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं। अगर इस दवा को डॉक्टर के अनुसार ली जाए तो यह दवा बिल्कुल ही सुरक्षित है। अगर आपको लिवर या हार्ट की बीमारी है तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि यह दवा उपलब्ध नहीं है तो इसकी जगह आप अजीथ्रल, अजीसिप, अजीकेम, अजैक्स, जैथ्रिन, जिथ्रॉक्स, अजीवॉक, अजीवैक्ट ले सकते हैं। तो यह थी ZD टैबलेट के बारे में जानकारी। इस टैबलेट के बारे में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और माय उपचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।